भाइयों और बहनों, दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि टीएमसी की बहुत बड़ी हार होने जा रही है। दीदी और उनके गिरोह की बातें ये बताती है कि बंगाल के लोगों से उनकी नफरत कितनी बढ़ती जा रही है। अब दीदी के लोग बंगाल के शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति के हमारे भाई बहनों को गाली देने लगे हैं, एससी समुदाय को अनुसूचित जाति के भाई बहनों को दीदी के करीबी लोग कहने लगे हैं, उनको भिखारी कहने लगे हैं, भिखारी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा को दीदी के लोगों के ये कड़वे बोल सुनकर कितना कष्ट हुआ होगा। अभी 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की जन्म जयंती है। जन्म जयंती से पहले दीदी ने, टीएमसी ने बाबा साहब अंबेडकर का इतना बड़ा अपमान किया है। कोई सोच नहीं सकता था कि बंगाल की धरती पर ये कहा जाएगा। बंगाल के सीएम का कोई करीबी इस तरह की भद्दी बातें कर सकता है, इसका अंदाजा न देश को था न बंगाल को। ये कल्पना से भी परे है कि कोई व्यक्ति ऐसी भाषा बोल सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है, दुखद है, ये सच्चाई है। और साथियों, दीदी तो खुद को रॉयल बंगाल टाइगर बोलती है ना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाई और बहनों के खिलाफ ऐसा घृणित बयान बिना दीदी की मर्जी के कोई नहीं दे सकता। आप मुझे बताइए, क्या दीदी की मर्जी के बिना टीएमसी का कोई भी नेता ऐसा बयान दे सकता है क्या? दे सकता है क्या? और देखिए, इतना बड़ा गंभीर बयान आ गया, हमारे दलित समाज को, अनुसूचित जाति के लोगों को भिखारी तक कह दिया, लेकिन अभी तक दीदी ने उसका इनकार नहीं किया, विरोध नहीं किया, क्षमा नहीं मांगी। इतना ही नहीं, ये जितने लोग कभी न कभी उनके साथ रहते हैं, हिंदुस्तान की कोई भी दल जो कभी दीदी के पक्ष में खड़ा हो जाता है, वे भी कांग्रेस समेत कोई टीएमसी के दलितों के अपमान करने वाले इस वाक्य के खिलाफ एक शब्द नहीं बोले हैं। दीदी दलितों का अपमान करके, अनुसूचित जाति के लोगों का अपमान करके, शेड्यूल कास्ट के लोगों का अपमान करके आपने अच्छा नहीं किया है, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। मेरे भाइयों बहनों, वो राजा राम मोहन राय जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ पूरे देश को झकझोरा, इस कुरीति को मिटाने के लिए
देश को दिशा दिखाई। उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। वो श्री श्री हरिचंद ठाकुर जिन्होंने जाति प्रथा के खिलाफ सामाजिक आंदोलन शुरू किया, दलितों की बराबरी के लिए आवाज उठाई, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। वो श्री रामकृष्ण परमहंसदेव जिन्होंने कहा कि हर जीव में शिव है, जो हर जीव में परमात्मा देखते थे, उनके बंगाल में दीदी ने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बंगाल में, रानी राजमणि जी के बंगाल में, मतिलाल सील जी के बंगाल में आपने दलितों का ऐसा अपमान करवाया है। दीदी, दलितों का अपमान करके आपने सबसे बड़ी भूल कर दी है। बंगाल के लोग ये बात हमेशा याद रखेंगे। बंगाल का कोई बच्चा इस बात को भूलेगा नहीं। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हार होती देख, ये क्या हो गया दीदी आपको?